हेलो फ्रेंड्स, आज की इस प्रेगनेंसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रेग्नेंट होते ही एक दो हफ्ते के अंदर ही आपके ब्रेस्ट में कुछ चेंजेस आते हैं, ये साफ साफ बताते हैं कि आपने गर्भधारण कर लिया है। साथ ही में हम बात करेंगे कि जो पीरियड्स के टाइम ब्रेस्ट में चेंजेस आते हैं और जो प्रेगनेंसी के टाइम चेंजेस आते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, आप कैसे पता कर सकते हैं कि जो आप कि स्तनों में बदलाव दिखते हैं वो पीरियड्स आने वाले हैं उसकी वजह से ही या फिर प्रेगनेंसी रुकने के कारण ऐसा हो रहा है, इन सब के बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना करें और वीडियो अगर दिल से पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके ही जाना, और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और पास बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आगे आने वाली हर प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। चलिए अब आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपके पीरियड मिस हो गए हैं और ब्रेस्ट में आपको कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं क्योंकि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल इंक्रीज होने लगता है जिसके कारण ब्रेस्ट में चेंजेस आते हैं, क्योंकि ये हार्मोन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ब्रेस्ट को रेडी करता है लैक्टेशन के लिए, बेबी को फीड करवाने के लिए आगे चलकर। और जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो स्टिमुलेट करता है ब्रेस्ट की ग्रोथ को, और जो डक्ट होती है इसमें वो सिक्रीट करती है प्रोलैक्टिन हार्मोन, और ये हार्मोन ब्रेस्ट को इनलार्ज करता है और मिल्क की प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है आगे चलकर। इसलिए प्रेगनेंसी होते ही फर्स्ट वीक में ही ब्रेस्ट में चेंजेस आना नॉर्मल सी बात है। कौन कौन से चेंजेस आते हैं हम उनके बारे में जानते हैं। ब्रेस्ट में स्वेलिंग हो सकती है, ब्रेस्ट में टेंडरनेस आ जाती है, बहुत कोमल और माइल्ड हो जाते हैं आपकी ब्रेस्ट। इस टाइम पे आपको हैवी फील होती है और आपको टच करने पर दर्द महसूस होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बॉडी में ब्लड का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाती है खासकर उन पार्ट्स में जो स्पेशली जुड़े होते हैं आपकी प्रेगनेंसी से, ताकि आपके अंदर बेबी का डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए। और ब्लड की वॉल्यूम इंक्रीज होने से जो छोटी छोटी वेन्स होती हैं ब्रेस्ट में वो लार्ज हो जाती हैं, नीले रंग की आपको आसानी से सामने सामने दिखने स्टार्ट हो जाती हैं, और आपको आर्मपिट के सीधे ऊपर आपको थोड़ा बहुत पेन फील हो सकता है, और आप ब्रेस्ट के निप्पल जो होते हैं उसमें कुछ आपको चेंजेस नज़र आएंगे, आप उन्हें भी नोटिस कर सकती हैं, थोड़े लार्ज हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, और जो आसपास का जो एरिया होता है वो डार्क हो जाता है और थोड़ा वो पार्ट इंक्रीज हो जाता है, जो आपका डार्क कलर का एरिया होता है निप्पल के अराउंड वो थोड़ा और डार्क हो जाता है। और आपकी ब्रेस्ट इसलिए हैवी और फुल फील होती है क्योंकि उनमें डक्ट डेवलप हो रही होती है ताकि वह बच्चे को फीड करवाने के लिए तैयार हो पाए, इसलिए ब्रेस्ट में कुछ चेंजेस नज़र आते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट में एक्टिविटी फास्ट हो जाती है, ब्रेस्ट में फुलनेस और हैवी फील होने लगता है। नेक्स्ट सिम्टम है, ब्रेस्ट में आपको इचिंग फील हो सकती है, स्किन सेंसिटिव हो जाती है, ब्रेस्ट लगातार स्ट्रेच होने लगती है जिसके कारण आगे चलकर आपको स्ट्रेच मार्क्स भी हो जाते हैं, लेकिन ये जो सिम्टम है थोड़ा वो आगे चलकर आता है। बेबी को नरिश और बेबी की डेवलपमेंट से कनेक्टेड जो भी आपके बॉडी पार्ट्स होते हैं जैसे ब्रेस्ट और यूट्रस, इनमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ हो जाती है जिसके कारण इनमें चेंजेस आना आम सी बात है, इसलिए प्रेगनेंसी होते ही ब्रेस्ट में ऐसे चेंजेस नज़र आने लगते हैं। आइए अब बात करते हैं ब्रेस्ट पेन जो पीरियड आने से पहले होता है वो जो प्रेगनेंसी रुकने के कारण होता है, इनमें डिफरेंस कैसे क्या होता है, आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपको पीरियड्स आने वाले हैं या तो आप प्रेग्नेंट हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हर बार पीरियड आने से पहले ब्रेस्ट में टेंडरनेस फील होती है, पेन होता है, हैवी फील होता है, बहुत अधिक पेन होता है, तो आप इन सिम्टम्स को देख कर प्रेगनेंसी का पता नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके साथ ऐसा पहली बार हो रहा है, इससे पहले आपके साथ ऐसा नहीं होता था, तो ये ज़रूर प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर कोई भी क्वेरी है आपको तो नीचे कमेंट जरूर करें। थैंक यू गाइस।